हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु कसाना व्लॉग में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी एक जर्नी, जो मेरी 8th मंथ प्रेगनेंसी है, वो कैसी रही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। और मैं बता दूँ गाइस, मेरी है ट्विंस प्रेगनेंसी, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, और जिससे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, स्पेशली जो ट्विंस प्रेगनेंसी में है अभी, तो उनको बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ पर देखिए, चलना फिरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ट्विंस प्रेगनेंसी में, लास्ट टाइम में और स्टार्टिंग में। बाकी सबका अपना अपना होता है कि वॉमिट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हर चीज़ डबल डबल और एक्सट्रीम लेवल की होती है। और मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि रूटीन चेकअप के लिए भी आपको जाना पड़ता है। यानी कि वैसे जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग, ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा विज़िट करने पड़ते हैं डॉक्टर के। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ डॉक्टर के पास अपने रूटीन चेकअप के लिए। सो गाइस, ट्विंस प्रेगनेंसी हो या फिर कैसी भी प्रेगनेंसी हो, हमेशा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनो। वैसे भी ट्विंस प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा पेट निकलता है, तो अगर ढीले ढाले कपड़े पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वही है। और यहाँ पर मैंने पैकिंग कर ली है, क्योंकि एक चीज़ और होती है ट्विंस प्रेगनेंसी में, डिलीवरी भी जल्दी होने के चांसेस होते हैं, और उसी लिए आपको ज़रूरत होती है कि पहले से पहले ही आप अपनी छोटी मोटी जो तैयारियां होती हैं वो कर लो। तो मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े ख़रीद लिए हैं बच्चों के लिए, और जो भी छोटा मोटा स्टफ था वो मैंने ख़रीद लिया है, और मैं अभी उन सबको पैक कर लूँगी। यहाँ पर मेरी भी पैकिंग हो गई है और बेबीज़ की भी, यानी कि जो मेरा हॉस्पिटल बैग है उसमें जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने रखनी शुरू कर दी हैं, और जो जो समझ में आता रहेगा लास्ट टाइम तक मैं रखती रहूँगी यहाँ पर। तो अपना हॉस्पिटल बैग भी गाइस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही पैक कर लेना चाहिए ट्विंस प्रेगनेंसी में, क्योंकि डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी के होते हैं। और यहाँ पर मैंने एक गर्म शॉल भी रख लिया था, क्योंकि अगर सी सेक्शन होने लगा तो सी सेक्शन में फिर ठंड वगैरह लगती है, मैंने ऐसा सुना है, कुछ वीडियोस देखी हैं, तो इसीलिए मैंने अपना जो है एक शॉल भी रख लिया है, और बच्चों के लिए ड्राई शीट वगैरह ये सब कुछ मैंने ये यहाँ पर रख लिया है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर बेबीज़ का जो जो इम्पोर्टेंट सामान है वो मैंने रख लिया है, क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो मुझे थोड़ा बहुत पहले से पता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मम्मा जी के लगाओ इस वाले हाथ में। पहले बच्चे के साथ भी टाइम का पता ही नहीं चलता, बच्चे की केयर करने में और घर के छोटे मोटे काम करने में, क्योंकि बहुत हैवी वर्क तो आप कर नहीं पाते हो इस सिचुएशन में, बट जब कोई करने वाला नहीं होता तो करने भी पड़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टाइम पास हो जाता है अगर पहले से ही बच्चा हो, और आराम तो आप भूल ही जाइए। अगर बेड रेस्ट भी बोला है डॉक्टर ने तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बच्चे की भी केयर करनी होती है। और ये यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की, और यही रूटीन होता है सुबह, सभी नॉर्मल लेडीज़ का यही रूटीन होता होगा, नाश्ता लंच डिनर। तो मेरा भी यही रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, ऐसे में ज़रूरत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ
खाओ जिससे कि आयरन की कमी जो है वो पूरी हो सके, हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक रहे हमारी बॉडी में। और उसी के साथ साथ दाल ज़रूर खानी चाहिए, एक टाइम तो ज़रूर ही खानी चाहिए। रोटी की क्वांटिटी चाहे कम रखो लेकिन सब्जियां अच्छे से, और मसाले वगैरह अवॉइड करो, ज़्यादा तला भुना खाना भी अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में। तो मैं जैसा कर रही हूँ, जैसा मुझे डॉक्टर ने बताया है, वैसा ही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। सो यहाँ पर गाइस घर के काम चलते ही रहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही हूँ अपने बेटे के। और बस मैं इस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत अपना 8 मंथ प्रेगनेंसी की जो थोड़ी सी जर्नी है वो मैंने शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ एक नए अच्छी सी वीडियो के साथ। पास में आओ। So much.